मन में तो कसक होगा ना कि आपको उम्मीदवार नहीं बनाया गया, फिर से समीर मोहंती पे ही पार्टी ने ये भरोसा जताया। मैं हेमंत सोरेन जी को अपना बड़ा भाई मानता हूँ, उन्होंने वापस बुलाया परिवार में, उस परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ। उनके ऊपर है वो मेरा उपयोग किस तरह से करना चाहते हैं। जब हेमंत सोरेन मेरे पास है तो मुझे किस टिकट की आवश्यकता है। बीजेपी के जो तमाम नेता आ रहे हैं वो कह रहे हैं परिवर्तन है, परिवर्तन है। क्या कुणाल भी परिवर्तन देखकर वापसी आए हैं? घाटशिला के भाजपा के मेरे कार्यकर्ता साथियों से मैं पूछना चाहूंगा, ये कौन सा परिवर्तन है कि आज बाबूलाल सोरेन जिंदाबाद बोलना पड़ रहा है? ये कौन सा परिवर्तन है? पहले इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए। जिस परिवारवाद पर ये बात करते हैं, आज यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, इस लोकसभा जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में। उन 4 में से 3 सीटों पर एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र, एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहू और एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है। इस घाटशिला में जहां हम बात कर रहे हैं, जो इनके कर्मठ सिपाही थे लक्ष्मण टुडू, लखन मार्डी, सुनीता देवदूत सरेन, जो 5 साल से इनके झंडे को ढो रहे हैं, पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे हैं, आज जाकर पूछिए वो क्या काम कर रहे हैं। इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है पूरे कोल्हान में। जो भारतीय जनता पार्टी में गए वॉशिंग मशीन में वो क्लीन हो जाता है। यहां धनबाद के सांसद तो देख लीजिए, उनके ऊपर तमाम आरोप है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का टिकट का मापदंड ऐसे ही लोगों को चुनकर दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के टिकट के दावेदारों में या सर्वे में अगर कुणाल सारंगी का नाम आता है तो उन्हें लगता है ये लायक नहीं है। लेकिन जिन लोगों पर तमाम भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं, जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, वैसे लोगों को टिकट देने में इन्हें परहेज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं तो इन्हें परहेज नहीं है। तब ये पूछते हैं कि गठबंधन का चेहरा कौन है? आज तो गठबंधन ने अपना चेहरा तय कर दिया हेमंत सोरेन के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? समीर मोहंती आए हैं यहाँ पर अपना नॉमिनेशन करने, लोग इन्हीं को नेता मानकर कुणाल के साथ साथ चल दिए। मैंने भी भीड़ देख के पीछे निकल गया। क्या आप अलग से खेमा चला रहे, क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, एक ही उद्देश्य है, हेमंत सोरेन जी को इस राज्य का मुख्यमंत्री दोबारा कैसे बनाना है, एक ही उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पे सूर्य सिंह बेसरा कह रहे हैं कि ऐसा दल बदलू नहीं चाहिए, ना दागिया ना दल बदलू चाहिए। 4 दिन में जो आदमी बयान बदल देता है, नेता बदल देता है, उस पर कैसे जनता विश्वास करे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ पहले, जो लोग आज दल बदलने की बात कर रहे हैं, जो आज नॉमिनेशन हुआ है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं उस नॉमिनेशन में, ये सवाल पहले उनसे पूछा जाना चाहिए। और जहां तक मेरे दल बदलने की बात है, मैंने 4 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी से अपना इस्तीफा दिया है। मैं निर्दलीय काम कर रहा था और मेरी आज राजनीतिक पहचान है इस राज्य में, वो देश के राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की वजह से है। एक गलती मेरे से हुई, उस परिवार से मैं दूर गया था, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं अपने परिवार में वापस लौटा हूं। यही मेरा एकमात्र स्टेटमेंट है इस विषय को लेकर। और जब बड़े भाई ने बुलाया, मैं उनके पास वापस आया। तो मन में तो कसक होगा ना कि आपको उम्मीदवार नहीं बनाया गया, फिर से समीर मोहंती पे ही पार्टी ने ये भरोसा जताया। सबसे पहली बात तो है, जब मैं दोबारा अपने परिवार में शामिल हुआ तो मीडिया के मित्रों ने यह सवाल मुझसे पूछा था, अगर आप उसे देख सकते हैं, मैंने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से कही है कि मैं हेमंत सोरेन जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं। उन्होंने वापस बुलाया परिवार में, उस परिवार में मैं शामिल हुआ हूं। उनके ऊपर है वो मेरा उपयोग किस तरह से करना चाहते हैं। जब हेमंत सोरेन मेरे पास है तो मुझे किस टिकट की आवश्यकता है? उससे बड़ा टिकट कौन हो सकता है जब हेमंत सोरेन मेरे पास है? कोई भी टिकट उसके सामने छोटा है। बीजेपी के जो तमाम नेता आ रहे हैं वो कह रहे हैं परिवर्तन है, परिवर्तन है। क्या कुणाल भी परिवर्तन देखकर वापसी आए हैं या वाकई में जो बीजेपी कह रही है उनकी बातों में ज्यादा यकीन करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है परिवर्तन है तो मैं घाटशिला वासियों से पहले पूछना चाहूंगा, ये कौन सा परिवर्तन है? घाटशिला के भाजपा के मेरे कार्यकर्ता साथियों से मैं पूछना चाहूंगा, ये कौन सा परिवर्तन है कि आज बाबूलाल सोरेन जिंदाबाद बोलना पड़ रहा है? ये कौन सा परिवर्तन है? पहले इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस परिवर्तन की बात करती है, उस परिवर्तन को मैंने भी 4.5 साल देखा है कि इनकी भाषा और जो ये करते हैं उसमें कितना अंतर है। जिस परिवारवाद पर ये बात करते हैं, आज यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, इस लोकसभा जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में। उन 4 में से 3 सीटों पर एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र, एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहू और एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही है। अगर इससे बेहतर परिवारवाद का उदाहरण आप मुझे दे सकते हैं तो दे, मैं सुनना चाहूंगा आपको। ठीक है, आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जब आप बोल रहे हैं कि सिर्फ हेमंत दोबारा, इससे तो उतना कन्विंसिंग नहीं लगेगा। और क्या मुद्दे हैं, क्या इशू है, क्या है? क्योंकि मैनिफेस्टो जो है पिछले बार का, वो आप लोग पूरा नहीं कर पाए। मैं निश्चित रूप से, एक जो विषय बार बार मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर आता है और मुझे भी पूछा जाता है छात्रों के द्वारा, जो सीजीएल को लेकर सवाल किया जाता है, जेएसएससी सीजीएल को लेकर, नौकरी को लेकर, नौकरी को लेकर, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा,
इंटेंट में कोई कमी नहीं थी। आप देखें, अगर उनकी नीयत में खोट होता, नियमावली पहली बार बनी, नियमावली बनने के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा भी, अगर छात्रों को ये लग रहा है कि लीक हुआ है, उसकी जांच को भी सरकार तैयार है, लेकिन हर जांच को चलाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए, जिसके संस्था के माध्यम से वो जांच होगी। उस संस्था ने भी जांच किया, पहले जो परीक्षा में लीक के जब एलिगेशन लगे थे तो उसको जब जांच हुई, अगर सच पाया गया तो वो कैंसिल भी हुई है पहले। लेकिन जो लोग आज ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। नीट की परीक्षा लीक हुई, पूरे देश में इस पर माहौल बना कि नीट परीक्षा लीक हुई है, उसे कैंसिल करना चाहिए। यहां पर सीजीएल की कैंसिल कराने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। कहां मुलाकात की? जो पूरे लीक का जीरो पॉइंट है, हजारीबाग, वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, वहां पर छात्र छात्राओं ने अपनी भावनाओं को उनके सामने रखा। क्या नीट कैंसिल हुई? नहीं हुई। तो नीट जिन्होंने कैंसिल नहीं किया, कुणाल जी ये गुहार लगा रहे हैं क्या? कुणाल जी, ये तो तर्क गलत है। अगर कोई दूसरा खराब है इसलिए आप कह रहे हैं कि हम भी खराब है, इसमें बुरा है क्या? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने आज ये आरोप लगाया है उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए। यहां पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आयोग ने बकायदा जांच की कमेटी बनाई, वहां के प्रतिनिधिमंडल को भी बुलाया कि आप साक्ष्य थे, आप एविडेंस दे कि कहां पर लीक हुई है, हम लोग परीक्षा अगर सही पाया गया एविडेंस हम लोग कैंसिल करेंगे। नीट पर तमाम एविडेंस होने के बावजूद आज तक नीट की परीक्षा क्यों नहीं कैंसिल हुई पूरे देश के स्तर पर? तो दोहरे मापदंड दिखाने के लिए सबसे आगे है। मैं तो यही कहता हूं, भ्रष्टाचार पर ये बातें करते हैं और प्रधानमंत्री जी के मंच की शोभा मधुकोड़ा जी बढ़ाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में गया वॉशिंग मशीन में वो क्लीन हो जाता है। यहां धनबाद के सांसद तो देख लीजिए, उनके ऊपर तमाम आरोप है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का टिकट का मापदंड ऐसे ही लोगों को चुनकर दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के टिकट के दावेदारों में या सर्वे में अगर कुणाल सारंगी का नाम आता है तो उन्हें लगता है ये लायक नहीं है। लेकिन जिन लोगों पर तमाम भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं, जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, वैसे लोगों को टिकट देने में इन्हें परहेज नहीं है। जब ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं तो इन्हें परहेज नहीं है, तब ये पूछते हैं कि गठबंधन का चेहरा कौन है। आज तो गठबंधन ने अपना चेहरा तय कर दिया हेमंत सोरेन के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। अगर अर्जुन मुंडा का नाम बताएंगे बाबूलाल जी नाराज हो जाएंगे, बाबूलाल जी का नाम बताएंगे चंपई सोरेन नाराज हो जाएंगे, चंपई सोरेन का नाम बताएंगे मधुकोड़ा। दोहरे मापदंडों की सारी पराकाष्ठा इन लोगों ने पार कर दी है और आप देख सकते हैं इस घाटशिला में जहां हम बात कर रहे हैं, जो इनके कर्मठ सिपाही थे लक्ष्मण टुडू, लखन मार्डी, सुनीता देवदूत सरेन, जो 5 साल से इनके झंडे को ढो रहे हैं, पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे हैं, आज जाकर पूछिए वो क्या काम कर रहे हैं। इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है पूरे कोल्हान में और चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी की यह स्थिति हो जाएगी कि इन्हें दोहरे अंक, मैं तो 0 आंक कर चल रहा हूं, अगर ये दोहरा अंक पे भी चले जाए तो मुझे आश्चर्य होगा। शुक्रिया। मुख्यमंत्री का चेहरा तो जवाब देना चाहिए भाजपा को। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in